हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। चैप्टर नंबर 10, मेजरमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग लेंथ यूजिंग अ रूलर। हैव यू एवर सीन अ रूलर? रूलर किस तरीके से होती है? इस तरीके से। इट हैज मार्किंग कॉल्ड यूनिट्स। इस पे मार्किंग होती है जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। वी कैन मेजर स्मॉल ऑब्जेक्ट विद अ रूलर। हम रूलर के यूज से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। इन द पिक्चर द इरेजर इज 5 यूनिट्स लॉन्ग। इस पिक्चर में इरेजर जो है वो कितनी लॉन्ग है? 5 यूनिट्स। यहां पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 यूनिट लॉन्ग है जो हमारी इरेजर है, वो 5 यूनिट्स लॉन्ग है। रूलर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, राइट द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट में जो ये फर्स्ट की है वो कितनी यूनिट की है? ये है 8 यूनिट की, 8 यूनिट्स की हो गई। और जो यहाँ पर पिन दी हुई है ये कितने यूनिट्स की है? ये है 4 यूनिट्स की। यहाँ से हम देखेंगे 4 यूनिट्स, तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे 4 यूनिट्स लॉन्ग है ये। नेक्स्ट है अब टॉपिक मेजरिंग वेट। वेट, सर्कल द हैवियर वन। हैवियर मतलब भारी, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। सो जो यहाँ पर एलिफेंट है ये रेड से हैवी होगा, तो उसको हम सर्कल कर देंगे। रेड जो है वो एलिफेंट से लाइटर होगा, मतलब छोटा होगा। इसका जो वेट होगा वो एलिफेंट के अकॉर्डिंग कम होगा। यहाँ नेक्स्ट में सर्कल द लाइटर वन। यहाँ पर एक लीव है, यहाँ पर पूरा पॉट है, तो जो लीव है वो हमारी पॉट से हल्की होगी, लाइटर मतलब हल्की। वेट टेल्स अस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। वेट हमें क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना भारी या हल्का है। सो जो यहाँ पर वाटरमेलन है वो चेरी के अकॉर्डिंग हैवी होगा, और जो चेरी है वो वाटरमेलन के अकॉर्डिंग लाइट होगी। इसमें इसमें 3 थिंग्स दी हुई है, कार है, पेंसिल है एंड साइकिल है। तो जो कार है वो साइकिल और पेंसिल से हैवीएस्ट होगी, सबसे भारी होगी। उसके बाद पेंसिल और साइकिल में जो साइकिल है वो पेंसिल से हल्की भारी होगी, यानी कि और जो पेंसिल है वो सबसे हल्की होगी। मींस कार जो है वो सबसे हैवीएस्ट हो गई, और जो बाइसिकल है वो हमारी लाइटर हो जाएगी, और जो पेंसिल है वो लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्की। द वॉटर मेलन इज हैवी, द चेरीज आर लाइट। जो वॉटर मेलन है वो हैवी होगा, जो चेरीज है वो लाइट होंगी, हल्की होंगी। द वॉटर मेलन इज हैवियर देन द चेरीज। जो वॉटर मेलन है वो चेरीज के अकॉर्डिंग भारी होगा। द चेरीज आर लाइटर देन द वॉटर मेलन, और जो चेरीज हैं वो वाटरमेलन के अकॉर्डिंग में कंपैरिजन में हल्की होंगी। इसमें देखेंगे हम द कार इज द हैवीएस्ट, जो कार है वो सबसे भारी है, और जो पेंसिल है वो लाइटेस्ट है। सो द साइकिल इज हैवियर देन द पेंसिल, जो साइकिल है वो पेंसिल के कंपैरिजन में हैवी है। बट द साइकिल इज लाइटर देन द कार, लेकिन जो साइकिल है वो कार के कंपैरिजन में उससे हल्की है, नहीं लाइटर है। तो ये है इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ हो गया, यानी मींस हायर हाईएस्ट, इसमें लाइटेस्ट, लाइटर, हैवीएस्ट। मेजरिंग वेट यूजिंग अ बैलेंस।
वी कैन मेजर हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज यूजिंग अ बैलेंस। कैसे मेजर करते हैं हम? द वेट ऑफ वन एप्पल इज मोर देन द वेट ऑफ टू चेरीज। यहाँ पर एक एप्पल है एक साइड में, दूसरी साइड में क्या है, दो टू चेरीज है। सो जो एप्पल का वेट है वो चेरीज के कंपेरिजन में हैवी है। द एप्पल इज हैवियर देन द चेरीज। जो एप्पल है वो चेरीज के कंपेरिजन में हैवी है। लेकिन जब अगर हमने नेक्स्ट डायग्राम में देखा है कि जब हम दोनों साइड एप्पल रख देंगे तो द वेट ऑफ बोथ साइड इज इक्वल, तो दोनों का वेट जो है वो एकदम इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एप्पल वो चेरी के अकॉर्डिंग हैवी था, बट जब हमने दोनों साइड एप्पल रख दिया तो उसका वेट जो है वो इक्वल हो गया। फाइंडिंग वेट, लुक एट द पिक्चर्स। यहाँ पर पिक्चर, द वेट ऑफ द कैरेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ टू ब्लॉक्स। जो कैरेट का वेट है वो टू ब्लॉक्स के इक्वल है। मीन्स जो कैरेट है हमारी वो टू ब्लॉक्स के बराबर की है। एक्सरसाइज है, फिल द ब्लैंक्स विद हैवियर एंड लाइटर। अ शिप इज डैश अ बोट। जो शिप है वो हमारी, जो शिप है हमारी वो बोट के अकॉर्डिंग में क्या होगी, हैवियर होगी। ये शिप है और ये बोट है, सो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हैवियर। नेक्स्ट है, अ लेडी बर्ड इज देन अ क्रोकोडाइल। जो लेडी बर्ड है ये हमारी, ये क्रोकोडाइल के कंपैरिजन में क्या होगी, लाइटर। यानी कि इसका वेट जो है क्रोकोडाइल के अकॉर्डिंग में कंपैरिजन में छोट कम होगा। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर ऑफ द ब्लॉक्स। यहाँ पर जो ड्रम है फर्स्ट डायग्राम में, ये टू ब्लॉक्स के वेट के इक्वल है। सेकेंड डायग्राम में क्या है, जो डॉल है उसका वेट जो है वो थ्री ब्लॉक्स के बराबर है। तो द वेट ऑफ द डॉल इज इक्वल टू द वेट ऑफ थ्री ब्लॉक्स। नेक्स्ट, यहाँ पर जो डक है उसका वेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स ब्लॉक्स के इक्वल है। द वेट ऑफ द डक इज द इक्वल ऑफ द वेट ऑफ सिक्स ब्लॉक्स। नेक्स्ट में जो बनाना का वेट है वो फोर ब्लॉक्स के इक्वल है, 1, 2, 3, 4। द वेट ऑफ द बनाना इज इक्वल टू द वेट ऑफ फोर ब्लॉक्स। सो इस तरीके से ब्लॉक्स की हेल्प से हमने ये एक्सरसाइज को सॉल्व किया। इसमें हम वेट को फाइंड करते हैं ब्लॉक्स के यूज से, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है सर्कल द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट। सो यहां पर जो ये पर्स है और ये क्लोथ का पर्स है और जो ये बैग है, ये इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे भारी या हैवीएस्ट होगा। उसके बाद कौन सा हैवी होगा, उसके बाद हैवी होगा दिस वन। ओके, सबसे लाइटर, लाइटेस्ट कौन सा होगा, दिस वन, और सबसे लाइटर कौन सा होगा, ये दिस वन। नेक्स्ट, सर्कल द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें सर्कल करना है, ये हमारा लैपटॉप, ये आईपैड, देन न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर जो है वो सबसे लाइटेस्ट होगा, और जो आईपैड है ये हमारा लाइटर होगा, और जो लैपटॉप है ये हमारा क्या होगा, हैवीएस्ट होगा। सबसे लाइटेस्ट हो गया हमारा न्यूज़पेपर और सबसे हैवीएस्ट हो जाएगा हमारा लैपटॉप। तो ये हो गया
हैवी एंड हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पर आज हो जाता है फिनिश।